हरे कृष्णा, आप सब भक्तजनों का श्रीमद् भगवद गीता के इस महायज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार इस संसार में भगवान का अस्तित्व है, यानी भगवान है, और भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, परमात्मा भी हैं। निराकार का मतलब होता है वह भगवान जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं। साकार का मतलब होता है भगवान की मूर्ति पूजा जो हम करते हैं ना, कि भगवान ऐसे खड़े होते हैं, भगवान का ऐसा रूप होता है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, ये साकार है। और आत्मा का, परमात्मा कौन सा भगवान होता है, जो हमारे हृदय में बैठा होता है। तो भगवान अपूर्ण नहीं होना चाहिए, भगवान इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। यदि कोई ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसके ना हाथ नजर आते हैं, ना पैर नजर आते, कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ज्योति है, तो फिर वो तो इनकम्प्लीट भगवान हुआ ना, क्योंकि उसके पास तो शरीर ही नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट भगवान हुआ। तो भगवान को कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ भगवान जो है ना, वो खाली इस मूर्ति में है, संसार के कान कान में नहीं है, वो निराकार नहीं है, खाली साकार है, तो वो भी तो इनकम्प्लीट हुआ, क्योंकि भगवान को हर जगह पे होना चाहिए। भगवान को निराकार भी होना चाहिए, भगवान को साकार भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है परमात्मा। अब कोई बोले ठीक है, निराकार भी है, साकार भी है, परमात्मा की क्या जरूरत है? तो देखो, हम कोई भी कार्य भगवान की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते। अब तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है ना कि हम जो भी कर रहे हैं क्या भगवान की इच्छा से कर रहे हैं? भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की सहायता के बगैर नहीं कर सकते कोई भी कार्य। आप अगर चोर चोरी भी करता है, तो जब तक उसके हृदय में परमात्मा उसको अनुमति नहीं देता, तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो कर रहा है, तो आप बोलोगे फिर भगवान इस चीज की क्यों परमिशन दे रहा है? वो इसलिए ले रहा है क्योंकि भगवान आपको टोटल फ्रीडम देता है। भगवान ने आपको संसार में भेजा है, ये भगवान की माया है। भगवान ने भगवान देखना चाहता है कि मेरा बच्चा, जिसको मैंने इतना फ्रीडम दिया हुआ है, इतना प्रेम करता हूँ मैं उससे, वो संसार में जाके कौन से कर्तव्य करता है। यदि हम शास्त्र को पढ़ेंगे, उसके अनुसार यदि हम कार्य करेंगे, तो गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गलती करना तो दूर, गलती करने की इच्छा भी हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होती है। तो हमें भगवान अंदर बैठे हुए हैं और हमें आपको परमिशन दे रहे हैं। अब अगर वो नहीं बैठे होते ना, तो आप माला भी नहीं कर सकते। और अगर आपको स्वतंत्रता नहीं होती, अगर आपको फ्रीडम नहीं होता, तो फिर भगवान की ये जो प्लानिंग होती ना, वो सारी चौपट हो जाती। ना नरक बनता, ना स्वर्ग बनता, ना आपको वापस आना पड़ता। फिर तो मजा ही नहीं होता इस खेल में। खेल में तब मजा आता है जब क्लाइमेक्स हो। खेल में तब जब मजा आता है जब सारे एक्टर स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हो। तो फिर हम लोग खेल, अगर आपको प्रतिबंध लगा रहे कि भाई हाँ ये क्रिकेट का मैच है, आप पहले से ही मैच खेलना फिक्स हो जाए कि भाई ठीक है इस टीम को हारना है, इस टीम को जीतना ही करना है, तो फिर उस खेल में क्या मजा? खेल में तो तब मजा है जब आप टोटल फ्रीडम के साथ खेलते हो। तो भगवान श्री कृष्ण का ये खेल है, आपको पूरा पूरा स्वतंत्रता दी जा रही है और अंदर से परमात्मा के रूप में भगवान बैठा हुआ आपको अनुमति देता है, लेकिन वॉच आउट कर रहा है, आपको लिख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हो। तो ये सब हमने पढ़ा और आखिर में हमने अभी यहाँ पर खत्म किया था कि भगवान कौन है और भगवान को जानने के लिए क्या किन किन चीजों का हमें परीक्षण करना होगा, किन किन चीजों को एग्जाम करना पड़ेगा, कि ये चीजें जिसके अंदर होंगी, परीक्षा लेनी पड़ेगी कि जिसके अंदर ये पांच, हमने कल बात की थी, जिसके अंदर पांच क्वालिटीज हैं। वैसे तो भगवान के अंदर करोड़ों क्वालिटीज हैं, लेकिन एक लिस्ट जिसके अंदर ये पांच क्वालिटीज हैं, उसको आप आज से भगवान मानना स्वीकार कर सकते हो। मेरी नहीं, शास्त्र की बात होती है। शास्त्र कहता है कि भगवान वो है जो परम नियंता, यानी परम कंट्रोलर है, वो भगवान हो सकता है। भगवान की पहली योग्यता क्या है? कि उसे परम कंट्रोलर होना चाहिए। दूसरी योग्यता, जो सभी वस्तुओं का स्रोत हो, यानी सबके स्टार्ट हो, जो भी संसार में आया है उसका स्टार्ट हो। तीसरी योग्यता, भगवान की तीसरी योग्यता क्या है? कि उसे पूर्ण होना चाहिए। भगवान की चौथी योग्यता, जो सब जगह सब समय पर हो। और भगवान की पांचवी योग्यता, वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर मुनि ने भगवान के विषय में एक डेफिनेशन दी है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य से एव शरणाम भव इति कणा। जिस व्यक्ति के अंदर ये छह क्वालिटीज होती हैं, वो भगवान बन सकता है। क्वालिटीज सिर्फ क्वालिटीज नहीं,
परिपूर्ण मात्रा में यानी कंप्लीट होनी चाहिए। सारा का सारा धन, सारी की सारी सुंदरता, सारा का सारा बल, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा यश, सारा का सारा वैराग्य जिसके पास है वही भगवान हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ कृष्ण में है तो आप बोलोगे क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? तो मैं एक एक चीज को सबूत के साथ, प्रमाण के साथ, क्योंकि अब प्रमाण कौन सा आपको चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, अनुमान प्रमाण चाहिए या शास्त्र प्रमाण चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने किस भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो कैसे बता सकता है कि भगवान ये ऐसा है। और अनुमान लगा कर तो कोई भी मैं किसी को भी बोल सकते भाई हाँ ये सब मेरे ख्याल से ही है। शास्त्र प्रमाण इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज, कम्प्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, शास्त्र प्रमाण। तो सबसे पहली योग्यता भगवान की कि भगवान को परम कंट्रोलर होना चाहिए, यानी जितनी भी चीजें हैं उनको कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। वास्तव में सबसे बड़ा कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। आप कहोगे भाई ये भगवान की भक्त है तो यही बोलेगी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। महाजनों ये न गंता सुपंथा, जो बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जो शास्त्र ने कहा है, तो बड़े में सबसे बड़े कौन है, संसार के प्रथम जीव कौन, ब्रह्मा जी को लीजिए, संसार जिसने उत्पन्न किया। आप मानते हो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान का साक्षात्कार किया, उन्होंने देखा है, जिन्होंने देखा है वही बता सकता है आपको ज्ञान, क्योंकि उन्होंने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ज्ञान दिया। तो इतना ज्ञान जो डायरेक्ट भगवान उनके गुरु है, और ब्रह्मा जी को क्या बताया, जिसके कितना ज्ञान दिया, जिसके बारे में बाद में ब्रह्मा जी ने अपना एक शास्त्र लिखा, इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं, वो प्रूफ है। और वो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम्। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह के अनादिर आदि गोविंदा, भगवान ही सच्चिद आनंद विग्रह है, वो परम ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है क्रिएटर, क्रिएटर तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी हूँ, मैं भी तो बहुत सारे लोगों को पैदा करता रहता हूँ, सृष्टि को सृजन करता रहता हूँ, लेकिन परम क्रिएटर यानी कि सारे क्रिएटर्स के लिए इंग्रेडिएंट्स मुझे वहाँ से मिलती है, वो परम क्रिएटर है, वो परम ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर यानी मेरा भी ईश्वर वो है, जिसको क्या कहते हैं परम कृष्ण, कृष्ण का नाम, स्पेशल नाम दिया है। फिर सोचा पता नहीं ये कोई और कृष्ण को ना समझे, फिर बोला अनादिरादि गोविंद, वो गोविंद के नाम से जो विख्यात है, जो गौओं का पालन करता है, जो गौ, गोविंद के दो मतलब होते हैं, गो मतलब गौ भी होती है, गो मतलब इंद्रियां भी होती है, जो गौओं का पालन करते हैं और जो इंद्रियों के स्वामी है वो गोविंद, जिसका नाम कृष्ण है, उसी का वही भगवान है, वही परम कंट्रोलर है, वही सब कुछ उसने पैदा किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि शायद ये कृष्ण के अतिरिक्त है, कि ये जो हमारा कृष्ण है जिसको कैसे बोल सकते हैं वासुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में तो नहीं कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आगे ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में साफ साफ कहते हैं मैं दूसरे कृष्ण के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन से वाले कृष्ण के बारे में कह रहा हूँ, वैणुम कर्णंतम अरविंद तलायताक्षम बरहवतम समासित बुर सुंदरांगम कंदर्प कोटिकमनीय विशेष शोभम। वो वाला कृष्ण जो वैणुम क्वणंतम, जो बांसुरी बजाता है, अरविंद दलाय तक्षम, उसने अपने बालों पर मोर का पंख लगा हुआ है, अपने चूड़ा बनाया उसके ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है और बांसुरी बजाता है, और अरविंद दलाय चक वैणुम क्वणंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहवतम सम, उसमें उसके आंखें जो है वो कमल के फूल की तरह बहुत ही खूबसूरत हैं, उसके होंठ बहुत सुंदर हैं बिंबाफल की तरह हैं, और वो टेढ़ा खड़ा होता है, तीन जगह से टेढ़ा खड़ा होता है, नीले बादलों जैसा अंग है, साफ साफ नजर आ रहा है आपको, अभी मैंने पिक्चर भेजी ना, सेम ऐसा
सेम ब्लू कलर का है और है ना इस तरह बांसुरी बजाता है, उसको देखते हुए करोड़ों करोड़ों कामदेव कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम, उसको देख के मूर्छित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, अपने आप शर्म आने लगती है कि सुंदरता की देवता हम हैं और यहाँ पर देखो क्या सुंदर है कृष्ण। तो यही कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। तो परम सत्य, ये परम सत्य है जो ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण ही अनादि आदि गोविंदा सर्व कारणम कारणम, सबको पैदा करने वाला और सबका कारण जो है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। किसने बताया, ब्रह्मा जी ने। और सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं कहते, चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ ईश्वर अगर कोई है, जैसे हम परम कंट्रोलर की बात कर रहे हैं ना, परम ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो साफ साफ लिखा एकलो ईश्वर कृष्ण, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही परम कंट्रोलर है, परम ईश्वर है। आर सब भृत्य, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कितने ही बड़े बड़े योगी सब हैं, वो सब भगवान के भृत्य अर्थात दास हैं। तो फिर यहाँ पर ये बहुत सारी मिसालें, करोड़ों करोड़ों मिसालें, लेकिन मुझे आप लोग समय बहुत कम देते हो बोलने का, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। फिर भी जिस जिसको जिस जिस प्रमाण के ऊपर अगर संदेह हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको मैं बहुत बड़ा करके आपको क्लियर करके बता सकती हूँ, जब तक बोलती रहूंगी जब तक तुम्हें सेटिस्फाई ना कर दूं। और आगे भगवान की दूसरी योग्यता कि जो सभी वस्तुओं के स्रोत हो। स्रोत का क्या मतलब होता है, स्टार, यानी आपका स्रोत आपके पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी, उनके स्रोत उनके पिताजी, ऐसे करते 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 आखिर में क्या आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे। और ब्रह्मा जी साहब साहब खुद ही बोल के अभी बोला ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, के मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं स्रोत नहीं हूँ। अगर कोई आप अब सोच रहे हो कि मैं भगवान हूँ तो ये बिल्कुल गलत है, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, वही भगवान। आप देखेंगे आपके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, ऐसे करते 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 लास्ट में पता है क्या आता है, अगर हमारी ये मानव सभ्यता को देखा जाए तो शास्त्र कहता है आखिर में आते हैं मनु और शत्रुपा, यहाँ आकर गाड़ी रुक जाती है। तो ये शास्त्र का विचार है, शास्त्र क्या कहता है कि आखिर में सारे जो सब मनुष्य हैं वो सब मनु और शत्रुपा से आए, कौन कहता है, शास्त्र। लेकिन साइंस नहीं कहती, साइंस क्या कहती है पता है, साइंस कहती है मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। ये किसका सिद्धांत है, किसका फलसफा, किसका थ्योरी है, ये भी डार्विन का ये है थ्योरी है कि मनुष्य कहाँ से आया, बंदर से आया, पूरा पागल था ये। तो दूसरे शब्दों में डार्विन हमारे दादा परदादा को गाली दे रहा है कि वे सब बंदर थे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भागवत कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई है। डार्विन एक मनुष्य है, वो जो प्रमाण दे रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा होगा या कोई भी अपनी इंद्रियों से अनुमान लगा के प्रमाण दे रहा होगा, वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों, अभी देखो हम सत्ययुग में जाते हैं ना, अगर सत्ययुग को देखें तो वहां पर भी मनुष्य होते थे, प्रहलाद आदि जितने भी लोग होते थे। अगर त्रेता युग में देखो तो श्री राम दशरथ और ये सब, तो वो सब क्या बंदर थे। सत्ययुग से लेकर हम लोग आए हैं, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, भागवत कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति शत्रुपा और मनु से हुई है। अब देखिए मनुष्य शब्द कहाँ से आया, मनुष्य का मतलब होता है मनु से निकला है और इसको मानुष भी कहते हैं, मनो का अर्थ होता है मनु महाराज और अज का मतलब होता है जन्म हुआ, जिससे मानुष यानी मनु महाराज से जिसका हुआ है जन्म उसको मनुष्य कहते हैं। और अगर थोड़ा और आगे जाएं तो मनु और शत्रुपा को किसने पैदा किया है, ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया, विष्णु की नाभ से जो ना एक कमल का फूल निकला है जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ऐसे भी ऐसे इस तरह करते करते विष्णु भगवान अगर कहाँ से आए, विष्णु भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इस बात को मैं क्लियर करूंगी कि विष्णु भगवान किस तरह से भगवान का अंश है, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। अभी सिर्फ भगवान, अभी सिर्फ इतना जान लो कि भगवान विष्णु भगवान जो है वो कृष्ण से आए हैं, पहले कृष्ण है उससे विष्णु भगवान आए हैं, विष्णु भगवान से ब्रह्मा आए। देखो आप लोगों को मैं सब कुछ क्लियर करूंगी लेकिन यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ चलो। और उसके बाद क्या है, भगवान की पहली योग्यता समझ में आ गई कि भगवान क्या है, परम कंट्रोलर है। किसने कहा,
चैतन्य चैतामृत कहती है, ब्रह्मा जी कहती है, साबित करते जा रही हूँ और भी बहुत सारी प्रमाण हैं, लेकिन उसके बाद भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत यानी स्टार्ट होने चाहिए भगवान। तो कौन कहता है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्व कारण कारणम, मैं कारण कारणों का कारण नहीं हूँ, मैंने सबको पैदा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने सबको किया, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, वही सर्व कारण कारण है। और सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं कहते, ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, देखो भगवद गीता हमारी ऑथेंटिक बुक है, उसमें जो लिखा हुआ है उस पे हमें यकीन करना ही चाहिए। और भगवान भगवद गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 3 में कहते हैं, चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 3, भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं, मम योनि महद्धम तस्मिन् गर्भम धराम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। जन्म किससे होता है? ब्रह्म जो भौतिक चीजें हैं, जैसे शरीर से शरीर का निर्माण होता है, लेकिन उस शरीर के अंदर भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, उसके अंदर गर्भ कौन प्रदान करता है? मैं, अहम, भगवान ने कहा संपूर्ण जीवों को पैदा करने के लिए गर्भधान मैं कर रहा हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हुआ है। इसी बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण 9.7 में कहते हैं, अहम सर्व, भगवान कहते पिता हम अस्य जगत हो, मैं पिता हूँ। क्यों पिता है? क्योंकि प्रकृति के अंदर गर्भ भगवान की मर्जी से या भगवान की इच्छा से आता है। भगवान अपना गर्भ प्रकृति को देते हैं, तभी संतान उत्पन्न या कभी किसी का उत्पन्न होना पॉसिबल है। और भगवान श्री कृष्ण 14.4 में तो हद करते हैं ये कहते हुए, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रद पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय। तुम ये समझ लो कुंती पुत्र कि जितनी भी जीव योनियां हैं, जितनी भी लोग पैदा हुए, जितने भी जानवर पैदा हुए, जितनी भी योनियां हैं, उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से संभव हुआ है। और अहम बीज प्रद पिता, उनको पैदा करने के लिए बीज मैं हूँ। भगवान ने सब कुछ पैदा किया है और शास्त्र में लिख भी दिया। अगर फिर भी कोई इस बात को यकीन नहीं करता है तो फिर वो मूर्ख होगा। और भगवान साफ साफ कहते हैं कि कतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्रोत, मैं ही सब कुछ, विश्राम स्थल, अविनाशी बीज, सब कुछ मैं ही हूँ, मैंने, मेरे से ही सब कुछ आया। कुछ लोग ऐसे तर्क करते हैं ना कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, पहले वृक्ष आया, पहले बीज आया। भगवान भगवद गीता में उसका साफ साफ उत्तर देते हैं, अहम बीज प्रद पिता, जितने भी योनियां हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, सबको, सबका बीज में हूँ। तो भगवान है असल में, ना पहले अंडा आया है, ना पहले मुर्गी आई है, पहले भगवान आए हैं और भगवान सबको बीज देता है। भगवान सबको उसके अंदर वीर्य और गर्भ देता है, जिसकी वजह से ये सबका उत्पन्न होना पॉसिबल हुआ है। मैं शास्त्र से बिल्कुल प्रमाण ऑथेंटिक आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि कौन भगवान है, परम कंट्रोलर कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि परम ईश्वर परम कृष्ण कृष्ण है, और उसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि केवल कृष्ण ही ईश्वर है, उसके अलावा दूसरी योग्यता सभी वस्तुओं के स्रोत, हम ब्रह्मा जी तक जाती है ना हमारी दृष्टि, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि वो कृष्ण सर्व कारण कारण शु, वो भगवान कृष्ण है, नाम लेकर पुकारते हैं। उसके अतिरिक्त हमने भगवद गीता के भी आपको प्रमाण लिए कि भगवान ने स्वयं कहा, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही सबका, मम योनिर्महद् ब्रह्म, मैं ही इस महद ब्रह्म में तस्मिन् गर्भम ददामि, हम गर्भ देता हूँ और उस मेरी वजह से संपूर्ण जीवों का उत्पन्न होना पॉसिबल हो गया। तो भगवान की दो योग्यताएं कि भगवान परम कंट्रोलर होना चाहिए और भगवान सभी वस्तुओं का स्रोत होना चाहिए, ये साबित हो गई। अब तीसरी योग्यता भगवान की, भगवान के अंदर तीसरी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पूर्ण होना चाहिए। कौन कहता है? उपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवा वशिष्यते। पूर्ण उसे कहा जाता है जिससे पूर्ण वस्तु को निकाल दिया जाए तब भी वो पूर्ण रह जाए, यानी उसके अंदर कोई कंप्लीट, एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो खंडित हो जाए। तो अब देखिए ये जगत कहाँ से निकला है, भगवान से निकला है। भगवान विष्णु के रोम कूपों से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ये ब्रह्मांड निकलने के बाद भी ऐसा नहीं कि भगवान बेचारे आधे रह गए, वो पूर्ण ही है। भगवान हमेशा पूर्ण होते हैं, इसलिए यानी उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो निराकार भी होना चाहिए, साकार भी होना चाहिए, परमात्मा भी होना चाहिए, उसके अंदर कम्प्लीट शक्ति होनी चाहिए, कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, कंप्लीट यश होना चाहिए। तो इस चीज को हम अभी जो पराशर मुनि वाली डेफिनेशन होगी कि कृष्ण के अंदर ये सब कैसे हैं, उसमें हम साबित करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो शास्त्र कहता है भगवान को पूर्ण होना चाहिए और कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। शास्त्र कहता है पूर्णमदा पूर्णमिदम, वो वहाँ पर भी पूर्ण है, यहाँ संसार में भी पूर्ण है। पूर्णमेवा वशिष्यते, उससे जो संसार ये प्रकृति निकली है वो भी पूर्ण है, और वो जो बच गए हैं तब भी वो पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि वो अधूरे हो गए हो। आगे भगवान की चौथी योग्यता कि भगवान वो है जो एक ही समय सब जगहों पर मौजूद हो और एक ही साथ सब जगहों पर रह सके, उसे ब्रह्म कहा जाता है। वो निराकार होता है, यानी हर जगह पर वो होना चाहिए, एक फिजिकल खाली रूप नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह पर रहे, तो ब्रह्म कौन है। अब अगर मैं कहूँ कि कृष्ण विग्रह है, तो भगवान तो श्रीमद् भगवद गीता में 10.12 में अर्जुन पता है क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। भगवत गीता ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसमें लिखा हुआ है कि आप हे कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हो, आप जो एक समय हर जगह पर मौजूद हो, हर जगह पर उपस्थित हो, तो सिर्फ आप ही हो परम ब्रह्म परम धाम। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अर्जुन जो है वो तो भगवान का भक्त है, ये अर्जुन ने कहा, अर्जुन की बात को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपके इस संशय को दूर करने के लिए नेक्स्ट श्लोक में लिखा हुआ है कि आहुस्तम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। नहीं भगवान, नहीं कृष्ण, खाली मैं थोड़े ना कह रहा हूँ, आहो साम ऋषय सर्वे, जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने शास्त्र अध्ययन करके ये बात को खोज निकाला है कि आप ही परम ब्रह्म हो, वो सब यही कहते हैं कि आप परम ब्रह्म। और दूसरों को छोड़ो, देवर्षि नारद तथा, जो देव ऋषि नारद हैं, जो संपूर्ण ऋषियों के और देवताओं के गुरु हैं, वो भी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो निराकार ब्रह्म भी है। वो हमेशा उनके नाम का कीर्तन करते रहते हैं, हर जगह पर करते रहते हैं। असी तो देवलो व्यास, खाली ब्रह्मा जी खाली है ना, ऋषि मुनि और नारद मुनि नहीं कह रहे हैं, देवल व्यास असी वेद व्यास जी सब आपके बारे में इस चीज की गवाही देते हैं कि आप परम ब्रह्म हो। और उनको तो छोड़ दो, स्वयं चाहे ब्रविषि में तुम खुद भगवान हो, तुम खुद यही कहते हो क्या, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, इतना सुंदर बोलते हैं, चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 27 14 अध्याय का श्लोक नंबर 27 भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो निराकार ब्रह्म है वो मेरा ही मुझसे ही निकला है। यानी कैसे निकला है, मैं असल में इतना भगवान के अंदर इतना तेज है कि जब भगवान जब जहाँ होते हैं ना, तो पूरी सृष्टि में उनका तेज, जैसे सूर्य ऊपर आसमान में होते हैं, बहुत दूर होते हैं सूर्य हमारे शरीर से, हमारे इस भौतिक जगत से बहुत दूर होते हैं, लेकिन कैसे पूरे संसार में उसका तेज आता है ना सूर्य का, उसी तरह से भगवान अपने धाम में है, लेकिन ये पूरे संसार में कण कण में उनका तेज है। जब भगवान की एक छोटी सी प्रकृति सूर्य ऐसा कार्य कर सकती है कि पूरे संसार में अपनी तेज से रोशनी कर सकती, तो क्या भगवान वहाँ पर बैठकर संसार में कण कण में नहीं समा सकते।
पूछने की बात है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान परब्रह्म, ये जो निराकार ब्रह्म है, जो कण कण में भगवान का स्वरूप नजर आता है, वो भगवान श्री कृष्ण का रियल भगवान है और ये निराकार वही है जो उनकी रोशनी उनमें से निकलती है। तो ये सब किसने कहा है? संसार के जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, जितने भी शास्त्र हैं, समस्त ऋषि, देवल, आसित, नारद मुनि, ये सब वेद व्यास जी और साक्षात भगवान ने खुद ही कह दिया, ब्रह्मण्यों ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म जो है निराकार ब्रह्म वो मुझसे आया, मैं ब्रह्म से नहीं आया हूँ। तो वास्तव में भगवान का रियल स्वरूप कृष्ण है और उसी में से ब्रह्म और परमात्मा निकले हैं। तो यहाँ पर भगवान की चार योग्यताएं मैंने सिद्ध कर दी है। कौन कौन सी? अब देखिए कि मैं जो जो योग्यताओं को कृष्ण के साथ सिद्ध करते जा रही हूँ, साथ साथ में प्रूफ देते जा रहे हैं। जैसे परम नियंता कौन है? तो ब्रह्मा जी का प्रमाण ईश्वर परम कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण के एकलो ईश्वर कृष्ण, साफ नाम लिखा हुआ है। सभी वस्तुओं का स्रोत यानी स्टार्ट भगवान श्री कृष्ण है। चतुर्थी में जैसे मैंने बताया, तस्मिन् गर्भम धरामि अहम्, मैं ही गर्भ प्रदान करता हूँ, अहम् बीज प्रदपिता, भगवान कहते हैं मैं ही सारे जीवों को उत्पन्न करने के लिए बीज प्रोवाइड करता हूँ। और सर्व कारण कारण ब्रह्मा जी भी कहते हैं सारे कारणों को उन्होंने, उनके ही कारण जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। उसके बाद भगवान की तीसरी योग्यता, भगवान को पूर्ण होना चाहिए। तो भगवान पूर्ण है, उपनिषद प्रमाण ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के कृष्ण ही केवल पूर्ण हो सकते हैं। नंबर चार, भगवान एक साथ सब जगह व्याप्त होने चाहिए, जैसा भगवद गीता प्रमाण है, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ब्रह्म का पैदा करने वाला हूँ, और उसके अतिरिक्त सारे ऋषि मुनियों की, फिर अर्जुन, अस्थिर, देवल, समस्त ऋषि मुनियों ने प्रमाण दिया है कि भगवान जो हैं वो कृष्ण ही हो सकते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही समस्त नियम कंट्रोलर है, वही समस्त चीजों का स्रोत है और वही पूर्ण है। अब भगवान की चार योग्यताएं तो यहाँ पर सिद्ध कर दी। भगवान की पांचवी योग्यता, याद है मैंने आपको बताई कि छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में, कम्प्लीट मात्रा में जिसके पास हो वो भगवान उसको कह सकते हैं। और पहला है ऐश्वर्य यानी सौंदर्य, सबसे पहला गुण है सौंदर्य। इस संसार में अगर किसी से पूछेंगे भाई सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो अभी क्या बोलेंगे कि भाई कैथरीना कैफ है या फिर ऐश्वर्या राय, जिसकी जो अच्छी लगती होगी उसके बारे में बोलेंगे सबसे ज्यादा सुंदर ये है। लेकिन शास्त्र जो कह रहा है वो इस थर्ड क्लास सुंदरता की बात नहीं कर रही है। वास्तविक सुंदरता उसे कहते हैं जो तीनों काल में सुंदर हो, क्या भूत भविष्य वर्तमान, जो संसार में उत्पन्न होने से पहले भी सुंदर हो, अभी भी सुंदर हो और एंड तक सुंदर रहे। सांसारिक सुंदरता तो आज है कल नष्ट हो जाएगी। जैसे कई साल पहले श्रीदेवी सुंदर होती थी, उसके बाद हेमा मालिनी सुंदर थी, उसके बाद है ना जया प्रदा, उसके बाद ऐसे करते करते आज तो उनको देखने के लायक भी नहीं है, अच्छे भी नहीं लगते देखने, कोई देखेगा क्या? तो इसी तरह से ऐसा नहीं, सुंदरता का मतलब, रियल सुंदरता का मतलब होता है कि वो हर काल में सुंदर रहे। कुछ लोग पहले सुंदर थे, आज नहीं है, तो वो सुंदर नहीं कहलाएंगे। वास्तविक सुंदरता उसे कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सुंदर हो, और वो केवल और केवल कृष्ण हो सकते हैं। हम भले जितना भी ब्यूटी पार्लर में जाएं, मेकओवर करवाएं, परंतु समय के साथ साथ हमारा सौंदर्य ढल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ऐसे हैं जो हमेशा सुंदर रहते हैं। अब आपको प्रमाण चाहिए, यद्यपि देखा जाए तो सबसे पुराने हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आर्यम आर्यम पुराण पुरुष नव यौवनम च, भगवान जो हैं वो सबसे पुराने हैं। जैसे अभी हमने स्रोत पढ़ा ना कि ब्रह्मा जी से भी बूढ़े, अब देखो ब्रह्मा जी कितने बूढ़े नजर आते, देखते हैं दाढ़ी भी होती है, वाइट बाल हो गए, लेकिन कृष्ण को कोई अभक्त भी होता है ना, कभी कृष्ण का ऐसा फोटो नहीं बनाता जिसकी दाढ़ी हो, कृष्ण बूढ़े हो गए, लकड़ी पकड़ के चलते हो, ऐसा हो। ब्रह्मा, सबको पता है कि भगवान जो है वो हमेशा यौवन रहते हैं, भगवान कभी बूढ़े होते ही नहीं है। इसीलिए तो शास्त्र कहता है आमार माधुर्य नित्य नव नव होए, कि भगवान कहते हैं जो मेरा माधुर्य है, जो मेरी सुंदरता है, वो हमेशा नवीन रहती है, उसमें कभी भी वो पुराना नहीं होता है। अब कृष्ण की सुंदरता के विषय में यदि मैं बोलना शुरू करूंगी ना, तो ये सेक्शन उसी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर हैं कि जितना भी बोला जाए कम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, जिस कामदेव को देखकर सब मूर्छित हो जाते हैं, जो सुंदरता और प्रेम के देवता हैं,
ऐसे करोड़ों कामदेव भी जब एक साथ जमा हो जाएं और कृष्ण को देखें तो वो सब मोहित हो जाते हैं। कृष्ण की सुंदरता अति अद्भुत है। क्या बताऊं कृष्ण की सुंदरता के बारे में, एक अंदर की बात बताऊं आपको, क्योंकि आप सब भक्त हो, अब भक्तों के साथ तो वर्णन कर सकते हैं। कृष्ण को देखकर सब लट्टू हो जाते थे, केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर पक्षी। अरे कृष्ण की बात तो छोड़िए, खाली कृष्ण आ रहे होते थे, उनकी बांसुरी जब सुनते थे ना, तो शास्त्र कहता है भाम बाहु कृत भाम कपोलो। भागवत के युगल गीत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण की सुंदरता को देखकर सबसे पहले तो स्वयं कृष्ण का शरीर ही झुक जाता था। कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण अपने महल में जाते थे ना, तो उनका जो महल था ना नंद बाबा का, वो उनमें ऐसे कंकर और पत्थर से नहीं, कुछ जो इनके जो स्तंभ होते ना पिलर्स, उसमें हीरे लगे होते थे। तो जब हीरों में जब हम जाते तो कहते हमारी छवि नजर आती, तो कृष्ण छोटे छोटे होते थे और हाथ में मक्खन लेकर चोरी करके भाग रहे होते थे, तो उस हीरों के अंदर जो भगवान की छवि नजर आती थी ना, तो भगवान को देख के मोहित हो जाते थे। इतना सुंदर ये कौन है, मतलब खुद भगवान ही चकित हो जाते थे कि इतना सुंदर है ये कौन है। भगवान ही अपनी माया से मोहित हो जाते थे कि इतना सुंदर, स्वयं कृष्ण का शरीर ही झुक जाता था। इतना ही नहीं, जितने भी पुरुष और स्त्री यहाँ पे होते थे वो विवल हो जाते थे कृष्ण को देख कर। मनुष्य तो क्या, पशु जो सुबह सवेरे उठकर घास खाते थे वो घास खाना भूल जाते थे। जब गाय घास खा रही होती थी और कृष्ण जब चराने के लिए निकलते थे तो घास जो है ना उनके मुंह में रुक जाती थी, ना वो उगल सकते थे ना निगल सकते थे, एकदम जड़ हो जाते। सुखदेव गोस्वामी कहते थे चित्रवत, सब लोग जड़ के समान हो जाते थे, बस देखते रहते थे कृष्ण को। और जो चेतन होते थे ना, जिनके अंदर चेतन होते वो जड़ हो जाते थे। नदियों में बहने वाला पानी पत्थर की तरह कठोर हो जाता था, लेकिन जो जड़ होते थे ना वो चेतन हो जाते थे। यानी जो पत्थर की तरह कठोर हृदय होते थे वो पानी की तरह बहने लगते थे। इसीलिए वृंदावन में जो कृष्ण के मित्र है ना श्री राम इत्यादि, वो कृष्ण को गाली देते हैं, कहते हैं प्रेम में गाली देते हैं और कहते हैं ये ब्रज की गाली है। सारे कैसे बोलते थे, अरे सारे तो लड़का बना है, तो इतने लोगों के नाक में दम कर रखा है, किसी को जीने नहीं देता है, कोई ठीक से काम नहीं कर सकता है, कोई अपने ठीक से अपने कारोबार नहीं कर सकता है, जानवर खाना भूल जाते हैं, अरे सारे लड़का बना है तो इतने सारे लोगों की नाक में दम कर रखा है, यद्यपि भगवान ने तुझे लड़की बनाया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर गए होते तुझे पाने के लिए। तो ये है भगवान की सुंदरता कि भगवान इतने सुंदर है, कंटिन्यूस है भगवान तो हमेशा। और आज भी जब हम भगवान श्री कृष्ण की विग्रह देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। दूसरा है भगवान का गुण ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य। वीर्य का अर्थात है बल। आप बताइए कृष्ण ने, अब देखो कृष्ण के अतिरिक्त किसके अंदर बल है, आप बताओ। आप सब बोलोगे कि अपने अपने देवी देवताओं के बारे में बोलोगे कि इस देवता में बल है उस देवता में बल है, लेकिन कृष्ण के विषय में आपको बताऊं, कृष्ण कहते हैं 7.12 में बलम बलवताम साहम, जितने को भी बल आज तक मिला है वो मैंने दिया है और उसका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल सारा मेरे से निकला है। कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया। आप उनकी बाल लीलाओं को देखियो, 6 से 7 दिन के थे, 18 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी पूतना थी उसका वध कर दिया। 5 साल के कृष्ण ने ब्रज वृंदावन की रक्षा करने के लिए इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया, और सिर्फ ये नहीं अपने हाथ के ऊपर नहीं उठाया, एक कहानी छोटी उंगली है उसके नख के ऊपर भगवान ने गोवर्धन को उठाया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आजकल भगवान जो अपने आप को कहते हैं उनको, जिसको आप सोचते हो कि ये भगवान है, तो गोवर्धन पर्वत की बात तो छोड़ो, एक ना बोरी आटे की दे दो और बोलो कि भाई इसको 7 दिन तक पकड़ो, बोलो 7 घंटे तक भी पकड़ो तो वो भी नहीं पकड़ सकेंगे। और अगर कृष्ण के बल पर कथा करने आऊं तो महीने गुजर जाएंगे। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से सब लोग कहेंगे कि भाई इस ये ज्यादा बलवान है, ये ज्यादा बलवान है, लेकिन जब साफ साफ शास्त्र कहता है कि भगवद गीता कहती है 7.12, देखो मैं जो शास्त्र के श्लोक आपको बता रही हूँ ना वो आप चेक कर सकते हो। भगवान ने साफ कहा बलम बलवताम साहम, जितने भी बलवान है उनको बल मैंने दिया है। और आगे
ये सारे जो समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हो, आगे जाएंगे। तीसरी योग्यता भगवान की, जिसके पास परिपूर्ण मात्रा में धन हो। धन का मतलब ये नहीं कि उसके पास थोड़ा सा धन हो, लेकिन सारा का सारा धन। भगवान कहते हैं कि जो लक्ष्मी, रमा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवयाना। धन की देवती देवता कौन है? देवी है धन की, लक्ष्मी महारानी, जो सबको धन देती हैं। लेकिन रमा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवयमानम, यानी कि करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनके चरण दबाती हैं, उनके चरणों में उनकी सेवा करती रहती हैं। तो परिपूर्ण मात्रा में कंप्लीट धन जिसके पास है वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर लक्ष्मी किसी के पास आ भी जाती है ना, तो ठहरती नहीं है, उनका चंचल स्वभाव है, वो चली जाती है। अगर उसको टिकाना है तो भगवान को बुलाना पड़ेगा, नारायण को बुलाना पड़ेगा। नारायण को बुलाने के लिए कृष्ण को बुलाना, और कृष्ण को बुलाने का अर्थ है महामंत्र को बुलाना। जब तक हम महामंत्र का जप नहीं करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण साथ साथ छठे अध्याय में बताते हैं कि देखो अगर तुम भक्ति करोगे ना कृष्ण अर्जुन, तो भक्ति करते हुए अगर तुम्हें संपन्नता नहीं प्राप्त होती है, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती, कंप्लीट भक्ति नहीं कर सकते, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम वापस जब जन्म लोगे तो भगवान कहते हैं श्रुति नाम श्रीमतान ये है योगो भ्रष्टो भी जायते। जो मेरी थोड़ी सी भक्ति कर लेता है उसको ये गारंटी तो मैं दे देता हूँ कि अगले जन्म में वो धनवान बनेगा, ताकि फिर अपनी जीविका चलाने के लिए उसे बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको इतना आरामदेह जिंदगी होगी कि वो मासियां वासियां काम करके जाएंगी और खुद से क्या करेगा, भगवान का भजन कर सकेगा। तो अगर आज आपके पास धन है तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की है, और भगवान ने आपको इतना अच्छा धन दिया है ताकि आप जो है वो फिजिकल ये फाइनेंशियली तौर पर एटलीस्ट आप परेशान ना हो और भगवान की भक्ति कर सको। क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत बड़ी जड़ है। अगर सारे लोग जो है ना वो गरीब होते हैं तो क्या करते हैं, उनको उनके पास इतना टाइम नहीं होता धन अर्जन करने के लिए, उनका पूरा दिन गुजर जाता है। तो शास्त्र अध्ययन करने के लिए, जप करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए समय नहीं मिलता है। आपको अगर मिला है धन तो इसका मतलब है आप पिछले जन्म के भक्त थे। गीता कहती है योगो भ्रष्टो भी जायते श्रीमान श्रीमतां ये है। अगर भक्ति इनकम्प्लीट रह जाती है तो वही लोग धनवान होते हैं। तो बहरहाल सबसे ज्यादा धन, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैंने दिया है, तो सारा का सारा उनका है। नंबर चार, भगवान की चौथी योग्यता, जिसके पास परिपूर्ण मात्रा में यश हो। यश का मतलब होता है फेम। आज के व्यक्तियों जैसा यश नहीं है, देखो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यश भगवान की योग्यता का मतलब है जो भूत भविष्य वर्तमान में सेम हो, यानी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में सेम हो। देखिए आज किसी का यश हो सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर का आज, लेकिन इसके बाद है ना, उससे पहले उसके बाद कौन सुनील गावस्कर आए, उसके बाद आज कौन, मतलब उसके बाद कौन से आए, इस तरह करते करते कुछ दिन हो जाएंगे तो इसका यश भी खत्म हो जाएगा। यानी कि इनका यश जो है, जैसे मैं अभी आपको हीरोज का एक्ट्रेस का यश है ना, फेम है, देखो कितना कमा रहे हैं, कितना उनके पास, सब लोग उनको पूछते हैं कि भाई हाँ, लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा, उनका यश खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान को देखिए, 5000 साल पहले आए इस संसार में, और 5000 साल, 100 साल पहले वो कौन थी, नरगिस और ये मीना, क्या नाम पता नहीं उनका, ऐसी ऐसी एक्ट्रेस होती थी, और आज नाम भी नहीं आ रहा, देखो मुझे याद ही नहीं आ रहा, उन्हें अच्छी देखी थी वो मदर इंडिया उनकी पिक्चर होती थी, तो अब नाम भी भूल गए हम लोग। लेकिन भगवान ऐसे हीरो हैं, 5000 साल पहले आए थे और आज हम उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब कैसे कैसे, कल कृष्ण ने ये कहा। कृष्ण का यश जो है वो हर, और आज से 5000 साल के बाद भी इसी तरह लोग भगवान का यश गाते रहेंगे। तो फेम का मतलब होता है जो हर काल में, हर स्थिति में, हर युग में चले। तो अभी जिनका यश है, जो अभी लोग हैं, उनका भविष्य में नहीं रहेगा, जिनका पहले यश था उनका अभी नहीं रहा। वास्तविक यश तो उसको कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहे, और ऐसा यश एकमात्र कृष्ण का है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको दूसरी भी बता दूँ, यश का मतलब क्या है कि जो अच्छा काम करो आप, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर संसार में जब वो विख्यात हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाती है, तो आपका फेम होता है। लेकिन वास्तविक यश का अर्थ बताऊँ, आप भले बुरा काम भी करो, गलत कार्य भी करो, तो भी आपका यश हो। कहने का कैसे, आप बोलोगे कैसे, तो इस संसार में देखो चोरी करना बहुत बुरा काम है, बुरा काम है ना, लेकिन कृष्ण ने जब चोरी की तो माखन चोर कहकर उसकी पूजा की जाती है, गाने गाते हैं माखन चोर नंद किशोर, मतलब
जो चोरी करके आया फिर भी उसको यश, उसको फेम मिल रहा है, उसको इज्जत मिल रही है। देखिए जरा सिंह के साथ पथ पथ युद्ध करते हुए भगवान ने कई दफा क्या हुआ कि वो रण में जरा सिंह ने 7 बार भगवान ने जरा सिंह को हराया, लेकिन आखिरी दफा क्या हुआ कि जरा सिंह ने कुछ ब्राह्मणों को न्योता दिया कि हमारे घर पे आओ खाना खाओ। तो ब्राह्मण का स्वभाव होता है जब खाना खाते ना तो फिर आशीर्वाद देते हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने खाना खाने के बाद प्रसाद, जब जरा सिंह ने प्रसाद खिलाया ब्राह्मणों को तो ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका विजयी भव, आप जीत जाओगे, अभी जो युद्ध होगा ना तो आप जीत जाओगे। तो फिर जरा सिंह ने कहा कि युद्ध तो मैं कृष्ण से करने वाला हूँ। तो सारे ब्राह्मणों को बोला अभी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है ना, अगर मैं हार गया ना तो सारों को जिन जिन को खाना खिलाया ना सबको मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तो सारे ब्राह्मण भगवान के पास गए तो बोला भगवान अभी हम लोगों ने इसको आशीर्वाद दे दिया है, अब आप हार तो सकते ही नहीं हो क्योंकि भगवान को कौन हरा सकता है। तो बोला कुछ करो। तो भगवान ने कहा करूँ क्या, अभी तुमने आशीर्वाद क्यों दिया, फिर मुझे पूछ के आशीर्वाद दिया था, मैं हारूंगा थोड़े। तो बोला नहीं आप हारो नहीं, आप ऐसा करो आप भाग जाओ। वही कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं कि अजी तुम युद्ध से भाग गए तो सब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और वही कृष्ण को ब्राह्मण सलाह देते हैं कि तुम भाग जाओ। और भगवान जब भाग भी जाएंगे ना तो भी भगवान की निंदा नहीं होगी, भगवान को संसार में फिर भी आज भी द्वारिका में उनका मंदिर है, रणछोड़ राय के नाम से उनको बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। यश का मतलब होता है आप जो भी करो संपूर्ण यश, भगवान श्री कृष्ण का यश तीनों काल में है। भगवान जो भी करते हैं, रास खेलते हैं तो भी यश हो रहा है, 16,108 शादियां कर रहे हैं तो भी भगवान को फेम मिल रहा है, सब मानते हैं ऋषि मुनि सब लोग उनको। उसके बाद ये यश हो गया, चौथी योग्यता भगवान की ये है ज्ञान, जिसमें संपूर्ण मात्रा में ज्ञान हो वो भगवान हो सकता है। संपूर्ण ज्ञान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में है। सैंपल है श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता मात्र 45 मिनट में दी गई और अर्जुन ने कन्विंस भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जितने भी वेद हैं उनका निचोड़ बना के ये 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता दे दी। और ये है ज्ञान के जिसके अंदर जो कुछ थोड़ा भी बोले तो संसार का संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर आ जाए। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 15.15 में सर्वस्य चाहम् रिरि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च, मैं ही सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, ज्ञान भी नहीं देता हूँ, स्मृति भी नहीं देता हूँ, अज्ञानता भी नहीं देता हूँ, भूला भी नहीं देता हूँ। और आज उसके बाद भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे नशाहम, वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों का रचने वाला भी मैं हूँ, वेदों के जरिए जानने योग्य भी मैं हूँ, और वेदों में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ यही है, उसका सार यही है कि तुम मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पर भगवान की चार जो पराशर मुनि ने डेफिनेशन की थी कि भगवान के अंदर 5 योग्यताएं होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, तो मैंने साबित किया कि भगवान कृष्ण है। उसके बाद सबसे ज्यादा बलवान होना चाहिए तो कृष्ण है। उसके बाद सबसे ज्यादा परिपूर्ण मात्रा में जिसका यश हो बहुत ज्यादा फेम होना चाहिए तो भगवान है। और जिसके अंदर सबसे ज्यादा बल होना चाहिए वो भगवान है। आखिरी योग्यता है वैराग्य, इसको हम कल पढ़ेंगे कि वो भगवान के